हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ साड़ीज़ का रिव्यू। ये साड़ियाँ मैंने जो है अलग अलग ऐप से मंगवाई हैं। मैंने दो दो साड़ियाँ मंगवाई हैं, एक मैंने मीशो से मंगवाई है और एक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। दोनों ही साड़ियाँ अफोर्डेबल है, मतलब 500 के अराउंड है दोनों साड़ियाँ। और दोनों ही साड़ियाँ जो है लाइक्रा ब्लैंड क्लॉथ में है, एक प्रॉपर लाइक्रा कपड़े में है और एक दूसरी जो साड़ी है वो लाइक्रा ब्लैंड में है लेकिन सीक्वेंस वर्क के साथ में है। साड़ी दोनों ही मुझे अच्छी कंडीशन में रिसीव हुई हैं और रिसीव हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं थोड़ा ब्लाउज स्टिच करने में लग गई थी तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज ये वीडियो आपके पास में बहुत पहले आ चुकी होती। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं दिखा देती हूँ किस तरह की साड़ियाँ हैं। साड़ियों का कोड और लिंक दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, साथ में स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपके लिए मेरी वीडियो जो है हेल्पफुल रहती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहली साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की साड़ी है। तो ये पहली साड़ी ये वाली साड़ी है, राफल साड़ी है। ये दोनों ही साड़ी जो है राफल साड़ी हैं और दोनों ही लाइक्रा में है। जब आप स्क्रॉल करते हैं ना फ्लिपकार्ट को और मीशो को, दोनों में आपने कॉमनली देखी होगी, कॉमन साड़ी है दोनों ही, कोई ऐसी कोई खास साड़ियाँ नहीं है। लेकिन इनका जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छे से रिसीव हुई है और वियर करने के बाद में बहुत अच्छी लगती हैं साड़ियाँ। आप इनको पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं। तो पहली साड़ी ये है, पिक्चर साइड में आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली साड़ी है, वाइन कलर मैंने जो है मंगाया है और ये इस तरह से मुझे रिसीव हुई थी। पैकिंग जो थी इसकी ठीक थी पर लेकिन मुझे काफ़ी टाइम पहले रिसीव हुई थी और मैंने जब इसको वियर करके भी देख लिया है और उसके बाद इसकी पैकिंग जो है मुझे ओपन करनी पड़ गई। और कपड़े की क्वालिटी बताऊँ तो कपड़ा बहुत सॉफ्ट है एकदम। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये साड़ी जो है 512 रुपीज़ की साड़ी है। इसके जो रेट हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस तरह से ये साड़ी है। इसमें पूरी साड़ी में ये वाले जो सीक्वेंस वाले लेस है वेलवेट के कपड़े पर पूरी साड़ी में लगी हुई है और ये जो है ये शोल्डर पे आने वाला कपड़ा है। तो ये पूरा जो है पूरी लेस है, मतलब जहाँ से आपकी प्लीट्स ख़त्म होंगी वहाँ से और यहाँ तक पूरा आपको प्रॉपर लेस दी हुई है इन्होंने। और ये यहाँ पर फ्रिल बनी हुई है, इसी तरह की जो फ्रिल है नीचे भी है। इसमें एक ही फ्रिल है, मतलब सिंगल फ्रिल की साड़ी है ये। इस तरह की ये साड़ी जो है आपको मिलने वाली है। लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इसकी प्रॉपर है, आपको मतलब लेंथ का कोई इसमें इशू नहीं होगा। आपकी 7 से 8, इवन मेरी तो इसमें नो नो प्लेट्स बन गई थी आराम से। तो आप कितने भी हेल्दी हैं इससे आपको कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी हाइट और लेंथ दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। तो ये इस तरह की साड़ी है सी। साड़ी बिल्कुल पूरी ही है और मैं आपको बता दूं जब ये साड़ी यहाँ पर ख़त्म होती है इतना, ये इसका जो शुरुआत का है ना वो है, ये आपका फर्स्ट राउंड है। तो इसमें आपको लेस और फ्रिल दोनों ही नहीं मिलेगी लेकिन बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा है ये, आधे मीटर से भी कम कपड़ा है तो काफ़ी अच्छी बात है। ये आपको फर्स्ट जो आप मतलब जैसे आप रैप करना स्टार्ट करते हो बस इतना ही रैप करेंगे और उसके बाद से ही आपको फ्रिल जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको फ्रिल वाला एरिया जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर ना इसका जो ब्लाउज था वो स्टिच होकर के आया था, मतलब स्टिच वैसे तो ब्लाउज अनस्टिच था लेकिन इसमें ब्लाउज यहाँ पर लगा हुआ आया था, कपड़ा आया था। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने उसका जो ब्लाउज है वो प्रिपेयर कर लिया है इस तरह से। इस तरह का इसका ब्लाउज आया था। ब्लाउज के कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वेलवेट का कपड़ा है और उस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं इस तरह से। और आप मैं आपको बता दूं कि जो ये इसकी ना इतनी स्लीव्स निकल चुकी हैं, मतलब एल्बो तक स्लीव्स जो हैं वो निकल जाती हैं। आप कितने भी हेल्दी, आप 38 तक का अगर आपका मतलब ब्लाउज का साइज है तो आपको इजीली इतनी बाजू आपकी निकल जाएंगी और उससे कम है तो आप यहाँ तक बाजू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपकी 4 इंच की बाजू बिल्कुल निकल जाएंगी आप कितने भी हेल्दी हैं। तो इस तरह का ये ब्लाउज जो है मैंने वो सिल दिया है। इसका जो पहनने के बाद में जो लुक है वो साइड में आपको मिल जाएगा किस तरह का है। मेरी तरफ से ये बिल्कुल जो साड़ी है वर्थ बाइंग है, आप बिल्कुल इसको डेफिनेटली इसको ले सकते हैं 512 रुपये में ये साड़ी, और आपको कम में भी मिल सकती है।
ये जो साड़ी है ना, इसका जो पल्ला है वो भी स्टिच में भी आ रहा है, लेकिन स्टिच वाले साड़ी का ना एक परेशानी ये हो जाती है कि उसमें जो ये जो पल्ला आता है ना, जब आपका ये यहाँ पर ऐसे करके प्लेट्स बनी हुई होती हैं और यहाँ से सिलाई लग करके एक फ्लावर बना होता है, तो उसका ना थोड़ा एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होता है। मतलब वो फ्लावर किसी को यहाँ पे आता है, किसी को यहाँ पे आता है, तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। और दूसरा, जो ये जैसे ये वाला जो कपड़ा है, ये इतना पूरा हमें हाइट में मिला है, तो ये हमें जैसे अगर हम सर पे डालते हैं तो छोटा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जो स्टिच साड़ी आती है, बिल्कुल रेडीमेड आती है, रेडी टू वेयर साड़ी आती है जो, उसमें जो ये वाला एरिया है ना बहुत कम आता है। मतलब नीचे से साड़ी पूरी अच्छी आती है, लेकिन जहाँ से वो पल्ला स्टिच करके रखते हैं ना, उसमें इस वाले कपड़े को फिर वो कम कर देते हैं। तो मैंने रिव्यूज़ देखे थे, रिव्यूज़ देख करके मैंने मंगाई थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल रिव्यूज़ देख कर तब मंगाएं, और चाहे तो आप इसी कोड के थ्रू जा सकते हैं जिस कोड से मैंने मंगवाई है, क्योंकि मैंने जिससे मंगवाई है मुझे काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है बिल्कुल, और सभी लोगों को ज़्यादातर ऐसी ही रिसीव हुई थी। तो आप रिव्यूज़ पर जाएं पहले, रिव्यू आपके आपको अच्छे लगे तो ही आप मंगाएं इसको। तो ये साड़ी बिल्कुल अच्छी है, वियरेबल है, और पार्टीज में आप बिल्कुल इसको पहन सकते हैं। तो दूसरी साड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी साड़ी जो है वो भी लाइक्रा की ही है, प्रॉपर लाइक्रा वाली साड़ी है, लेकिन वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, और ये वाली जो है मैंने मीशो से मंगवाई है। ये वाली आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी इसके जो रिव्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पहले मैंने मीशो से मंगवा ली थी, बाद में मैंने फ्लिपकार्ट पर इसके रिव्यूज़ देखे, तो लेकिन ये भी अच्छी रिसीव हुई है। तो दूसरी साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की है। दूसरी साड़ी दोस्तों मुझे इस तरह से रिसीव हुई थी, ये इस तरह की पैकिंग में, और ये मैंने भी वियर करके तो नहीं देखी है, लेकिन मैंने ओपन करके देख ली थी। ये प्रॉपर लाइक्रा वाली जो साड़ी होती है ना, वही साड़ियाँ हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिखा देती हूँ आपको साड़ी, ये इस तरह की साड़ी है, ये भी राफल साड़ी है, और ये इसका जो है ये यहाँ से इसमें इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। उस वाले में सीक्वेंस वाला था, इसमें जो है मिरर वाला है, मिरर नहीं है, ये भी सितारा ही है, लेकिन बड़ा वाला सितारा, लेकिन देखने में मिरर की तरह लग रहा है। जो इसकी बॉर्डर की जो क्वालिटी है, जो बॉर्डर पर जो लेस लगी हुई है, वो काफ़ी अच्छी है। साड़ी जो है ग्रे कलर की है, लेकिन सिल्वर दिखने में लगती है, पहनने के बाद में सिल्वर लगती है, सिल्वर टच आता है। और इसमें आपको मैं नज़दीक से दिखाऊँ ना, तो इसमें जो चमक आ रही है ना, थोड़ी गोल्डन आ रही है, तो इसकी जो शाइन है वो गोल्डन है। कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, और मैं आपको प्रॉपर साड़ी जो है खोल करके दिखा देती हूँ एक बार, और जो इसका जो पहनने के बाद में जो लगे जैसी लगेगी ये, वो साड़ी वो भी आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये देखिए पल्ले से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये तो पहले इसका बॉर्डर है जो कि आपके शोल्डर पर आएगा इस तरह से, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी लेस दी है, ज़्यादा लेस दी है, जहाँ से आपकी प्लेट्स ख़त्म होगी वहाँ से ही ये बिल्कुल आता है ये। और ये इस तरह से कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और लाइक्रा साड़ी का ना एक फ़ायदा ये होता है, आप हेल्दी होते हैं ना तो भी आप पतले ही दिखते हैं उनमें। एक सैटिन की साड़ी होती है, एक जॉर्जेट की, एक लाइक्रा साड़ी, ये तीनों साड़ियों में ही आप मतलब थोड़ा स्लिम दिखते हैं। मैं आपको ब्लाउज से दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि ब्लाउज से किस तरह की है। तो ये इस तरह से मैं इसका पहले ब्लाउज आपको शो कर देती हूँ। ये इसका जो है ब्लाउज आया है, लगभग आधे सेंटीमीटर का इसमें जो है ब्लाउज आया है, और ब्लाउज जो है ग्रे कलर का ब्लाउज है, बिल्कुल प्लेन है, कपड़े में थोड़ी शाइनिंग है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। लाइनिंग लगवानी पड़ेगी आपको, आपकी जो आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपकी 4 इंच की बाजू निकल जाएगी, लेकिन आप थोड़ी कम हेल्दी हैं तो आप एल्बो तक अपनी बाजू निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपकी साड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। ये देखिए ये फर्स्ट राउंड है, इस पर कोई भी इसमें जो फ्रिल नहीं दी हुई है। उसके बाद जो है आपकी साड़ी स्टार्ट होती है, और साड़ी में जो है ये देखिए ये 3 लेयर्स में जो है साड़ी है, और तीनों ही लेयर्स में जब खत्म होती हैं तो लेस लगी हुई है ब्लैक कलर की, और उस पर सीक्वेंस है, ये मोटा वाला जो सितारा होता है वो है, लेकिन थोड़ा सा मिरर वर्क का आपको शाइन दे रहा है ये। तो इस तरह की ये पूरी साड़ी है, ये देखिए। और उसके बाद में आपका जो है ये पल्ला वाला एरिया है, जब पल्ले वाला एरिया आता है तब आपकी ये जो लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्स जो है आपकी बस प्लीट्स तक हैं। उसके बाद में आपकी एक लेयर होगी शोल्डर पे, आपकी एक ही लेयर आएगी। तो इस तरह का ये जो है पूरी साड़ी है, साड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वियर आपको, वियर लुक आपको मैं दिखा दूंगी किस तरह से लगने वाली है वियर करने के बाद में, और वैसे मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह की लगेगी। जी
ये इस तरह की लगने वाली है साड़ी, और आप अगर इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह की साड़ी है। और दूसरी वाली जो है उसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जो दूसरी वाली साड़ी है वो भी इस तरह की लगने वाली है। जी देखिए, ये दोनों साड़ियां हैं इस तरह की लगने वाली हैं। दोनों का ही जो लुक है काफ़ी अच्छा है, और जब ब्लाउज इसका प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद में थोड़ी दोनों ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और दोनों ही पार्टी कलर हैं, आप बिल्कुल पार्टीज में इनको पहन सकते हैं। दोनों ही साड़ी का जो कलर है पार्टी वाला है, और कपड़ा जो है बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही लाइट वेट है। आप वियर करोगे तो वियर करने के बाद में ऐसे लगेगा, मतलब हैवीनेस आपको फील नहीं होगा। साड़ी दोनों ही अच्छी हैं, मुझे दोनों ही अच्छी लगी हैं। ये वाली फ्लिपकार्ट से मंगाई है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी। ये मीशो से है, आप चाहें तो दोनों साड़ियाँ ही फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन मीशो में इस वाली साड़ी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है, क्वालिटी के साथ में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो ये मेरी साड़ियों का रिव्यू था। मैंने साड़ियाँ ऑनलाइन परचेज़ की हैं, मुझे दोनों साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगी हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल हैं दोनों साड़ियाँ। ये 450 की है, ये 500 की है। दोनों ही साड़ियाँ आपको आप पार्टीज़ में पहन सकते हैं, और आप छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हैं, आप घर में भी पहन सकते हैं, डेली में भी। तो दोनों ही साड़ियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो और आपको ये साड़ियाँ पसंद आई हैं, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।